शाहरुख खान को बॉलीवुड में एक रोमांटिक हीरो के रूप में पहचाना जाता है। उनकी छवि एक चार्मिंग और दिल जीतने वाले अभिनेता की रही है, लेकिन उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन्होंने ऐसे किरदार भी निभाए जो एकदम विपरीत थे। हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा की 1993 में रिलीज हुई फिल्म डर की, जिसमें शाहरुख खान ने एक जुनूनी प्रेमी का किरदार निभाया था जो अपनी मोहब्बत को किसी भी हद तक जाकर हासिल करने की कोशिश करता है। ये किरदार एक साइको लवर का था जिसे उसकी चाहत और दीवानगी ने खलनायक बना दिया। हाल ही में दृष्टि आईएएस के संस्थापक और चर्चित वक्ता डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने इस फिल्म और इसके प्रमुख किरदार पर सवाल उठाए हैं। अपने विचारों की स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने इससे पहले रणबीर कपूर की आने वाली फिल्म एनिमल पर टिप्पणी करते हुए उसे फुहड़ बताया था, और अब उन्होंने शाहरुख खान की डर पर भी कटाक्ष किया है। क्या डर में दिखाया गया प्यार वाकई प्यार है? यूट्यूब चैनल VR युवा के साथ बातचीत में डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने शाहरुख के किरदार पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इस फिल्म में मर्द के प्यार को बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। शाहरुख खान का किरदार एक साइको लवर का है जो जूही चावला के किरदार को इस कदर परेशान करता है कि वो उसकी ना को भी नहीं समझता। फिल्म का गाना तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण दर्शाता है कि उसे जूही के फैसले की कोई परवाह नहीं है। सवाल उठता है कि ये शाहरुख का किरदार प्रेमी है या रेपिस्ट? ये किस तरह की मर्दानगी का प्रदर्शन है? पुरानी फिल्मों पर भी उठाए सवाल। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने सिर्फ डर तक ही अपने विचार सीमित नहीं रखे। उन्होंने यश चोपड़ा की एक और क्लासिक फिल्म कभी कभी के गाने पर भी सवाल उठाया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। इस पंक्ति को लेकर दिव्यकीर्ति ने कहा कि यह सोच महिला को एक वस्तु की तरह पेश करती है। वो पूछते हैं, तुम्हें किसने यह अधिकार दिया कि तुम किसी को अपनी निजी संपत्ति मानो? क्या उसकी अपनी इच्छाएं, सपने और ख्वाहिशें नहीं हैं? उन्होंने ये भी जोड़ा कि भले ही इस तरह की बातें महिलाएं भी कर सकती हैं, लेकिन समाज में ज्यादातर इस तरह की भाषा पुरुषों द्वारा ही इस्तेमाल की जाती है। रणबीर कपूर की एनिमल पर पहले भी की थी आलोचना। विकास दिव्यकीर्ति इससे पहले रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के प्रमुख किरदार पर भी सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि फिल्म में जिस अल्फा मेल छवि को दिखाया गया है वह समाज की वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने खास तौर पर उस सीन की आलोचना की जिसमें रणबीर का किरदार अपनी प्रेमिका को जूता चाटने को कहता है। दिव्यकीर्ति ने इसे पूरी तरह से अनुचित और फुहड़ बताया था। सिनेमा में मर्दानगी और महिलाओं की छवि, विकास दिव्यकीर्ति के विचारों ने एक गहरी बहस छेड़ दी है। ये सवाल खड़ा होता है कि फिल्मों में जिस तरह की मर्दानगी और प्यार को दर्शाया जाता है वह समाज में किस तरह की छवि बनाता है? क्या प्रेम का यह विकृत रूप हमारे समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? दिव्यकीर्ति की आलोचना न सिर्फ फिल्मों की बल्कि उस मानसिकता की भी है जिसे फिल्मों के जरिए समाज में फैलाया जाता है।